एक बार पुनः स्वागत, नमस्कार। अभी हम करेंगे हु धातु विधि लिंग लकार। हु धातु का विधि लिंग लकार ही केवल शेष बचा है, चार लकार हम कर चुके हैं। रूप आप सामने देख रहे हैं, जुहुयात, जुहुयाताम, जुहुयुहु, जुहुयाह, जुहुयातम, जुहुयात, जुहुयाम, जुहुयाव, जुहुयाम। प्रथम पुरुष एक वचन बनाएंगे, जुहुयात। लिंग लकार है ये हमारा, याद कीजिए पहला सूत्र लिंग लकार का हम क्या लगाते आए हैं। विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधिष्ट संप्रशन प्रार्थनेशु लिंग च, वही सूत्र यहाँ पे आप लगा दोगे। पहला सूत्र सभी लकारों का अपना अपना जो लकार का विशेष सूत्र है, सब में वही धातु कोई भी हो चाहे, तो यहाँ पर हम लगा देंगे लिंग लकार का सूत्र, विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधिष्ट संप्रशन प्रार्थनेशु लिंग च। उसे लिंग कर दिया उस सूत्र से, फिर तिप्तस जी से तिप प्रत्यय कर दिया, प्रत्यय करते ही आए हो तिप्तस जी से। ती शेष बचता है, प की हलंत्यम से संज्ञा होती है तो सेलो पैसे लोप होता है। चलिए हु और ती बच गया। अब आप देखिए हु से यहाँ मैंने लिखा नहीं है, वही आप तिंक्षित सार्वधातुकम से तिप की सार्वधातुक संज्ञा करके हु से परे कर्त्री शब से शब का आगम भी करोगे, शब का आगम कर दोगे। शब का आगम करके फिर जो हो त्यादिभ्य शप ऐसे शप का श्लू भी करोगे, शप का श्लू हो जाएगा श्लू लोप हुति। फिर वैसे ही पूर्व अभ्यास ऐसे पहले हु की अभ्यास संज्ञा, फिर अभ्यासे कुहोश्च सूत्र से अभ्यास संज्ञा ख को झ, और फिर अभ्यासे चर्च से झ को ज होकर के जू हु और ती बन जाएगा। अब जू हु ती बनने के बाद ती के ई का भी आप लोप कर दोगे, किससे करोगे ई का लोप, आप ई का लोप करोगे इतश्च सूत्र से, इतश्च सूत्र से ई का लोप कर दोगे तो हलंत बच जाएगा, तो हु और त हलंत। अब देखिए आप जितने भी लिंग लकार है उसमें आपने यासुट का आगम किया है, यासुट परस्मै पदेशो उदात्तो गिच्च इस सूत्र से किया है, मैंने सूत्र यहाँ नहीं लिखा है। यहाँ मैंने हु ती और पहले ही इकार का लोप करके यासुट को ले आई हूँ, लेकिन आप जो है ना सबसे पहले जैसे हमने किए हैं वैसे चलोगे, यानी पहले तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा करोगे, फिर कर्तृ शब से शब का आगम, शब का श्लू, फिर धातु को द्वित्व, फिर अभ्यासे चर्च कुहोश्चु अभ्यासे चर्च, ये सारे पहले करोगे, यानी जूहु तक बना लोगे आप, शब का लोप भी कर दोगे और फिर त हलंत भी बचा लोगे, इसके बाद यासुट का आगम करोगे। यासुट के आगम में आपको मालूम है यास शेष बचता है, ट की हलंत्यम से संज्ञा तसे लोप ऐसे लोप हो जाता है, वो उच्चारण के लिए रहता है और टित है इसलिए ये त के पहले आता है, तो जू हु यास और त। अब देखिए इसमें जू हु यास त, इसमें स और त, ठीक है, ये दोनों पीछे हलंत वर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। और स हमारा कैसा है, जो अंतिम में नहीं है, जो बीच में है, बीच में है तो इस स का लोप हो जाता है यदि स बीच में होता है तो, और वो लिंग लकार का हो तो होता है, लिंग लकार का अनंत्यस्कार का लोप होता है, ये हम लिंग लकार में करते आए हैं अनंत्यस्कार का लोप, किस से करते आए हैं, पहले भी किया है लिंगस लोपो अनंत्यस्य सूत्र से लिंग लकार के अनंत्यस्कार का लोप हो जाता है, तो ये अंत्य न होकर अनंत्य है, बीच में है तो इस कार का हम लोप कर देंगे, जू हु या और त, और यही हमने बनाना है जुहुयात। देखिए बन गया जुहुयात, जुहुयात प्रथम पुरुष एक वचन। चलिए अब हम बनाते हैं जू हु या ताम, जू हु या ताम। देखिए इसमें एक एक मैं वर्ण इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपकी जो रूप सिद्धि है आपको तुरंत समझ आ जाए भी जू कहाँ से आया, फिर हु कहाँ से आया, फिर या कहाँ से आया, फिर ताम कहाँ से आया। तो यदि ये बात आपने इतनी सारी जितनी भी रूप सिद्धियाँ पहले की हैं यदि उनको ध्यान से किया है तो मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है।
देखिए जुहू, जुहू तक आपने बहुत बार बना लिया है, वही आप सबसे पहले देखिए लिंग लकार करोगे ना, विधि निमंत्रणा आमंत्रणादिश संप्रेषण प्रार्थनेशु लिंग च, हु और लिंग, लिंग की जगह तस् प्रत्यय करोगे द्विवचन का, प्रथम पुरुष द्विवचन का तस् प्रत्यय कर दिया आपने, फिर हु तस् हो गया, फिर वही आप तस् की सार्वधातुक संज्ञा करोगे, कर्तृ शब्द से शब्द का आगम करोगे, शब्द का श्लू करोगे ज्योत्यादिव्य श्लू से, फिर हु को द्वित्व करोगे शलौच से, फिर पूर्व अभ्यास से पहले हु की अभ्यास संज्ञा करोगे, फिर कुहोश्चु से अभ्यास संज्ञा ख के हु के ह को झ करोगे, फिर अभ्यास चर्च से झ को झ करोगे। तो इस तरह से आप जू हु और तस यहाँ तक बना लोगे, जू हु तस तक। फिर यासुट का आगम करना जरूरी है, क्योंकि ये लिंग लकार है, इसमें यासुट का आगम होगा ही होगा, यासुट परस्मै पदेषु उदातो लिंग च गिच्च, तो उससे यासुट का आगम हो गया। अब यासुट में आपके क्या शेष बचता है, यास शेष बचता है, ऊ की उद्देश्य से संज्ञा होती है और ट की हलंत्यम से संज्ञा होती है, दोनों की संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो जाता है और यास शेष बचता है। यासुट चूंकि टित है इसलिए ये कहाँ आता है, ये तस के आदि में आएगा। प्रत्यय को आगम, जिसको भी आगम धातु को आगम हो प्रत्यय को हो ये हमें देखना होता है, तो यासुट का आगम किसको होता है, प्रत्यय को होता है, तो तस् प्रत्यय के ये आदि में आ जाएगा यासुट का आगम। ठीक है, यासुट से यास शेष बच गया, जू हु यास तस, और वही आपका यास के स का आपको लोप करना ही करना है, अनंतस्कार है ये और हमें यहाँ चाहिए भी नहीं, अगर ज़रूरत होती तो हम लोप नहीं करते, क्योंकि हमारा रूप है जू हु या ताम, यास ताम नहीं है, तो स्कार का लोप वही पहले वाला सूत्र लिंग से लोपो अनंत्यस्य से स्कार का लोप, जू हु या तस, तस को ताम हो जाएगा, तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है, सूत्र से तस को ताम कर दोगे, जू हु या ताम, जू हु या ताम, तो इस तरह से मतलब आप समझ के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आगे है बहुवचन, जुहुयु बहुवचन का प्रत्यय लाओगे, पहले लिंग लकार का सूत्र, फिर बहुवचन का प्रत्यय, फिर शब, फिर शब का श्लू, फिर धातु को द्वित्व, फिर झ और ज करते हुए जुहु झी। ठीक है, फिर हु के परे यासुट का आगम, यास शेष, यास से भी याशेष। ठीक है, जू हु या और झी। अब देखिए झी है, यहाँ झी को हमने झेर जुस से जुस कर देंगे, झी को जुस, तो जू हु या, उस या कहाँ से बचा, यासुट में से, यासुट में से यास बचा, यास में से या बचा, जू हु या उस। अब देखिए या का आ और परे ऊ, इन दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश, पररूप क्या है, आ तो पूर्व रूप है, पररूप बाद वाला क्या है, ऊ है, तो पररूप एकादेश आ और ऊ इन दोनों की जगह पर ऊ हो जाएगा, तो आ निकल गया उधर से, तो यह क्या रह गया, हलंत रह गया, यह हलंत रह गया, जू हु य, फिर ऊ का ऊ उसमें मिल जाएगा, क्योंकि आ और ऊ की जगह पर एक ऊ हो गया अतो गुने सूत्र से, जू हु यु और परे है स, स हलंत है परे, तो जू हु यु स। अब स हलंत की आपने विसर्गे बनाना बहुत बार सीख ली हैं, विसर्ग बना दोगे जू हु यु हो जाएगा प्रथम पुरुष बहुवचन। चलिए आगे है जू हु या मध्यम पुरुष एकवचन, मध्यम पुरुष एकवचन में एकवचन का प्रत्यय सिप, सिप से आप स तक बचा लोगे, ताकि हलंत्यम से एक ही इतश्च से द्वित्व करके जूहु तक बना लोगे, जूहु यासुट का या बचा लोगे, जूहु या और फिर स सिप का स ये मिल जाएंगे, जूहु यास बन जाएगा, फिर स को विसर्ग हो जाएंगी, जूहु या बन जाएगा। चलिए आगे है जूहु यातम, द्विवचन का प्रत्यय थस। अब जूहु या, देखिए ये ऊपर आपने जूहु या बनाया ही, वैसे ही जूहु या तम में भी जूहु और यासुट का या और थस प्रत्यय है, थस को तम आदेश कर दोगे। ठीक है, थस को तम आदेश, थस को तम आदेश किससे, तस थस थमिपाम ताम तम ताम है, वही सूत्र आपका बार बार रिपीट हो रहा है, जुहु यातम, जुहु यात
जू हू, फिर यासुटका, यास, यासुटका, याशिश, या और थ प्रत्यय, थ प्रत्यय थ की जगह पर त हो जाएगा, जुहू यात बन जाएगा, जुहू यात। चलिए आगे, जुहू याम उत्तम पुरुष एक वचन। जुहू आपका पहले की तरह से यासुट का या और मिप प्रत्यय होगा, मिप को आप अम आदेश कर दोगे, ठीक है। फिर या का आ और अम का आ, इसको आप क्या करोगे, पर रूप एकादेश करोगे, अतोगुने, अतोगुने आपका सूत्र, अतोगुने से आ और अ मिलकर के पर रूप एकादेश, यानी बाद वाला अ वो एकादेश होगा, यह नहीं रहेगा, तो जू हू यह हलंत हो जाएगा, उसमें अ मिल जाएगा, ठीक है। जू हू या म, जुहू याव में आप उत्तम पुरुष द्विवचन, इसके अंदर जुहू या सुट, या सुट का या बच जाएगा, जुहू या व वस लग जाएगा पीछे और स का लोप कर दोगे, नित्यम गीता से जुहू याव हो जाएगा। इसी तरह से जुहू याम, अंतर केवल इतना ही है कि वहाँ वस प्रत्यय लगा हुआ है और यहाँ आपका मस प्रत्यय लगेगा, बाकी वही वैसे का वैसे है, जुहू या सुट का या और मस प्रत्यय लग करके जुहू या मस, और नित्यम गीता सूत्र से अंत्यस्कार का आप लोप कर दोगे, अंत्यस्कार का लोप हो करके जुहू याम बन जाएगा। तो इस तरह से आपके ये सारी रूप सिद्धि पूरी होती है, आप अच्छे से इसको कीजिए, सारी जो है फेयर वर्क करके हु धातु आपकी पूरी हो गई है। हु धातु के बाद हम शुरू करेंगे शूय धातु। शूय धातु में सु बचता है, शु को सु आदेश होकर के यह जो होता है उसकी संज्ञा होकर के सु शेष बचता है, तो वो हम कल करेंगे। थैंक यू।